नाजिम चिखू मूड़ा बिहार सूढ़ा सकाफती इसम छाइंदड़ हैदराबाद जा कारीगर शदीद महंगाई सबब कसम पुरसी वाली जिंदगी गुजारण से मजबूर हैं। अधिक तफसील इरफान अली बुघे की रिपोर्ट में। चिखुन मोड़न जा ही कारीगर डीएल दास क्लब भरसा इन ही जाए ते गुजरियल टिन पीढ़ियन का पांजे पोरे हुनर सा नीह निभाईंदा अचन सजो सजो डी सिज हेठा सरन जे कानन सा चिखू शोपीस मूड़ा बिया सकाफती आइटम्स ठाईंदड़ इन कारीगरन जी पांजी दुनिया पांजा दर्द आहिन। विच हैदराबाद शहर में रहंदे बिजन ही सजे शहर का अलग थलग कटियल आहिन छाकाण जो गरीब आहिन उन करे उही मानू हनन सा वास्तो तालुक रखंदा आहिन जिनके खाउन इन्हन का कुछ खरीद करण होंद है। ही कारीगर असल में गुजराती जोगी आहिन के वरह थिया जो इन जहा वा भारती गुजरात का हैदराबाद लडे आया इतने जी थी व्या ही वडन का इन ही किर्त से लगल आहिन। ही कारीगर ओल्ड कैंपस का रेडियो पाकिस्तान डां ईंदड़ वींदड़ रोड के बिन्ही पासे फुटपाथ से सकाफती शयूँ ठाईंदा उते ही विक्रो कंदा आहिन। ही फुटपाथ ही सदन कारखानो है इो ही फुटपाथ शोरूम बनल है। चिखन जो कारीगर अशोक दास बुधाए तो अग महंगाई घट हुई तब हर कारीगर रोजानो 800 का 1000 रुपया कमाए वठंदो हो। हाँ महंगाई जी जी वधंदी वने तीय तीय कारीगरन जी दिहाड़ी भी घटजंदी वने। सर पहले के तो हालात बहुत बेहतर थे जो गुजर बसर हो जाता था। अभी तो आपको मालूम है कि हर चीज़ में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि काम करना बड़ी मुश्किल हो गई है। बस हवाई रोजी है, बस बैठे में अल्लाह की राह पे। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है सर? पहले हमारी दिहाड़ियाँ बन जाती थी 700 800 1000 रुपये, अब मस्त मस्त 500 600 रुपये दिहाड़ी ऐसे बन जाती है। कैसे गुजारा होता है इतनी में? बस सर कई अभी तो बच्चों को नौकरियों पे लगा दी है और कुछ हम लोग हैं जो दुकान संभाल कर बैठे हैं। सियारो शुरू थियण ते चिखुन जो विक्रो वधी वेंदो आहे जंहिं करे ही कारीगर बि कंहिं हद ताईं सुठो रोज़गार करे वठंदा आहिनि। जॾहिं त जून जुलाई ऐं ईद उल अज़ा ते पिण हिननि कारीगरनि जो कारोबार वधी वेंदो आहे। सर ज़्यादा कर हमारा सर्दियों में काम ज़्यादा होता है क्योंकि ठंडी हवाएं होती है, ज़्यादा चलती है तो बच्चों को थोड़ा ठंडी हवाओं से बचाना होता है। फिर जून जुलाई में जो मई का महीना जो आ जाता है तो उसमें थोड़ा काम उड़ जाता है हमारा। या बकरा ईद आ रही है तो मूड़े ज़्यादा चलेंगे। हाँ बकरा ईद में बैठते हैं ना संगत यार। अच्छा। तो उसमें मोड़े ज्यादा निकलते। चिखू ठाईंदड़ गुजराती जोगिन जा गोल बिल्डिंग डीएल दास क्लब भरसा 60 का 70 कुटुंब आबाद आहिन। इन महंगाई के दौर में इन कारीगरन लाए घर जो गाडो हलायण एडो दुखियो थी पियो आहे जो खेन ही कम करण सा गड बी मजदूरी पिण करनी पवे थी। चंदा देवी सुबह जो घरन में कम कंदी आहे ऐ मंझंद खां शाम ताईं पांजे घर वारे सा गड कानन मां शयूं तैयार कंदी आहे। बच्चे का खर्चा यहां से निकल जे घर का खर्चा, घर का किराए का मसला होता है। हम काम करते घरों में रोज की दिहाई लगाते हम दोनों जने मियाँ बीवी 600-700 रुपये की दिहाई लग जाती है हमारी दोनों मिला जुला के अलग अलग मिला के। कारीगरन जा अक्सर बार तालीम खां पिण महरूम आहिन। जॾहिं खाउन बारन खे न पढ़ाइण जो सबब पुछजे तो त हू गुरबत खे जवाज़ ॼाणाइनि था। तो अभी आप औलादों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? सर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, कुछ बच्चे हैं ये है कि अब पढ़ाई के किताबों के पैसे भी नहीं होते हमारे पास। शहर में तो रह रहे हैं। नहीं तो वो तो मुफ्त है ना, सरकार मुफ्त किताब देती है, वो क्यों नहीं पढ़ाते? लेकिन आजकल उन्होंने भी बिल बनाकर दे देते हैं। चिखन जो कारीगर बिजूमल बुधाए तो कारीगरन में बधी न होजण सबब कॉम्पिटिशन वधीक आहे ऐं हर कारीगर पंहिंजो वखर विकणण जे चक्कर में घटि अघ ते शयूं विकिरो करे छॾे जंहिं करे खेन संदन महिनत जो मुनासिब लाभ नथो मिले। बसि शुक्र आहे मालिक जो दाल पाणी गुज़ारियूं करियूं पिया, पर जेको महांगाई आहे
जो अस लगाऊँ पा पैसों पर वो असाज खर्च में और खाधे में ही पूरा है। हाँ आऊँ पंजा सठ में वा तो अगर चाली पंजा में वी छा पंटी में ही वी छा पर मार्केट में एडो एको ना है जो माना पाँच उरूच माना मथे कर मार्केट आ क्लास मार्केट जो रेशम गली आ उन्हें में एकड़ो एको हों बधी होंगी उन्होंने में तो वो पाँ पान के ठाई वेंदा असा में अड़ो जान आए न। महंगाई जा मारियल ही कारीगर सजो डी पांजो नूर निचोए जेके शयूं तैयार कन था ओए गरीबन तोड़े अमीरन जे घरन जी जीनत बणजंदी आहिन। कानन जो ही कम न रगो घरन जी डेकोरेशन में कतब अचे थो पर गर्मी ऐं सर्दी खां पिण बचाए थो। पर अफसोस जो इनन कारीगरन जे पोहरे जो कदर न थियण सबब ये महंगाई जे तूफान ऐं समाज जी गर्मी सर्दी के अकेले सिर भोगण ते मजबूर आहिन। कैमरामैन यासिर कुराई सां गॾु इरफान अली बुगियो, आवाज़ न्यूज़, हैदराबाद।